सीखें PFMS। सबसे पहले अपने जनपद की टेक्निकल टीम से एडमिन आईडी और उसका पासवर्ड प्राप्त करें। अब pfms.nic.in पर लॉगिन करें। यूजर नेम पासवर्ड टाइप करें। मास्टर्स यूजर्स ऐड न्यू पर जाकर डाटा अप्रूवर और डाटा ऑपरेटर की आईडी बनाएं। यहां कोई भी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवर या ऑपरेटर की आईडी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं यूजर टाइप। और अब हम सभी सूचनाएं भरेंगे और सबमिट दबाएंगे। सबमिट दबाते ही आपकी डाटा ऑपरेटर आईडी बन जाएगी। इस प्रकार से हम आईडी बना सकते हैं। डाटा ऑपरेटर की आईडी और मोबाइल नंबर आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। अब दूसरा स्टेप है डाटा अप्रूवर की आईडी बनाने का, तो इसे भी मास्टर्स यूजर्स एड न्यू पर जाकर डाटा अप्रूवर सेलेक्ट करके टाइप ऑफ यूज़र इसको हम बना लेंगे। अब आपकी दोनों डाटा अप्रूवर और डाटा ऑपरेटर की आईडी बन चुकी हैं। अब आगे के स्टेप में हम मास्टर्स यूजर्स और मैनेज पर जाकर चेक कर लेंगे कि दोनों आईडीज हमें सही दिखाई पड़ रही हैं या नहीं। अगर इनमें कुछ चेंज करना है तो हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। यूज़र टाइप बिना सेलेक्ट किए हम सर्च बॉक्स दबाएंगे तो जितनी भी आईडी बनी होंगी इस पर DA या DO की आईडी, ये सभी आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। और यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। इसका समय 10 बजे से 4 बजे तक रहता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल हेमंत सोनी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।